हेलो गाइस, मेरा नाम है आशीष, आशीष टेक एंड गेम्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो गाइस, आज मैं बताऊंगा काइनमास्टर में टू टेक्स्ट एडिटिंग टिप्स के बारे में। तो गाइस, वो क्या है, तो वीडियो को फास्ट टू लास्ट तक देखिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले आपका काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर देना है और आपको क्रिएट न्यू पे क्लिक कर देना है। तो क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद 16:9 रेशियो में क्लिक करना है और आपका एक ब्लैक बैकग्राउंड ले लेना है। ब्लैक बैकग्राउंड लेने के बाद आपको करना क्या है, लेयर के ऊपर क्लिक करना है और मीडिया सॉरी टेक्स्ट पे जाना है। तो टेक्स्ट पे जाने के बाद आपको जो भी चैनल का नाम हो यहाँ से लिख देना है। तो एग्जाम्पल के थ्रू में मैं अपना चैनल का नाम लिख देता हूँ, तो यहाँ से मैंने लिख दिया। लिखने के बाद उसका जो भी आपका फॉन्ट चाहिए वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ये एस एस स्टोर में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना है। बाद में आपको यहाँ से थ्री डॉट पे जाना है। थ्री डॉट पे जाने के बाद ये वाला जो लेयर है इसको डुप्लीकेट कर देना है। तो गाइस, यहाँ से मैं कर देता हूँ डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ से राइट में कलर मिलेगा तो इसको कर देना है रेड कलर। तो रेड कलर करने के बाद आप लेफ्ट भी स्वाइप कर सकते हो और राइट भी स्वाइप करते हो कर सकते हो, या आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो गाइस, मैंने यहाँ पर ले लिया है कुछ इस तरीके से लेफ्ट। आपको करना क्या है, लेयर के ऊपर क्लिक करना है और इफेक्ट पे जाना है। इफेक्ट पे जाने के बाद आपको स्पाइरल ब्लर डाउनलोड कर लेना है, एसएस स्टोर में आपको मिल जाएगा गाइस। तो स्पाइरल ब्लर के ऊपर क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। आप बाद में कर देना है फुल स्क्रीन। तो फुल स्क्रीन जाने के बाद आपको कुछ इस तरीके हो जाएगा। बाद में सेटिंग्स पे आपको जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद कर देना है 65 को 1 कर देना है। 1 करने के बाद स्क्रॉल करना है, क्वालिटी को 10 करना है, एनेबल जूम आउट को 0 कर देना है। तो 0 करने के बाद आपको क्या कर देना है, ओके कर देना है। तो मैंने ओके कर दिया। करने के बाद अल्फा ओपेसिटी को अभी के लिए 0 कर देना है। बाद में आप 100 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी थोड़ा बस काम बाकी है। लेयर के ऊपर जाना है, फिर से जाने के बाद हैंड राइटिंग में जाना है और आप ब्रश चूज़ कर लेना है। ब्रश चूज़ करने के बाद ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा कलर चूज़ करोगे। तो गाइस, मैंने यहाँ से ग्रीन ले लिया। तो ग्रीन लेने के बाद आपको क्या करना है, आपके स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ करना देना पड़ेगा आपको कुछ इस तरीके से ड्रॉ। तो गाइस, ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया है। तो यहाँ से आप और भी कलर ले सकते हो। तो वैसे एग्जांपल के थ्रू मैं ले लेता हूँ और येल्लो। तो वैसे ये ले लिया येल्लो। कुछ इस तरीके से आप रेड भी ले सकते हो, रेड। बाद में कुछ इस तरीके से स्काई भी ले सकते हो कुछ इस तरीके से। तो गाइस, ऐसे आप करते रहो। तो गाइस, फाइनली यहाँ पर जो हैंड राइटिंग है कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको ड्रैग कर देना है। बाद में ब्लेंडिंग में आपको जाना है और आपको कर देना है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो भी टेक्स्ट है उसके ऊपर इस तरीके का कलर हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल लुक भी लगेगा। तो बाद में क्या करना है, आपका जो व्हाइट लेयर वाला जो टेक्स्ट था उसके ऊपर क्लिक करना है और इन एनिमेशन पर जाना है। इन एनिमेशन में जाने के बाद आपको वाइट राइट कर देना है। वाइप राइट करने के बाद आपको कुछ कर देना है टपको 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड करने के बाद फिर से आपको क्या करना है, रेड वाला जो लेयर होगा या टेक्स्ट होगा उसको वाइप लेफ्ट कर देना है वो भी 2 सेकेंड में। तो 2 सेकेंड करने के बाद गाइस आपको कुछ इस तरीके से प्रोफेशनल लुक वाइप देखने को मिलेगा ही। अब बारी आती है हैंड राइटिंग में पेन करने की गाइस। तो यहाँ से आपको हैंड राइटिंग में पेन की फ्रेम के ऊपर क्लिक करना है। की फ्रेम के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा और यहाँ से आपको प्लस कर देना है। तो प्लस करने के बाद ये आप देखते रहो कैसे करना है आपको। आपको कुछ राइट की ओर मुड़ना है और लेफ्ट की ओर मुड़ना है, कुछ इस तरीके से आपको पेन करके जाना है। तो कुछ इस तरीके से आपको कर लेना है गाइस। तो गाइस, पेन हमारा फाइनली ख़त्म हो रहा है। तो वैसे हमारा पेन फाइनली ख़त्म हो चुका है। होने के बाद आपको क्या कर देना है, यहाँ से ओके का ऑप्शन मिल जाएगा तो उसके आप ऊपर क्लिक कर देना। ऊपर क्लिक करने के बाद वह करना है कुछ इस तरीके से आपका लुक हो जाएगा टेक्स्ट का। तो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा गाइस फास्ट हो गया। तो फास्ट होने के बाद बहुत ही ज़्यादा ख़राब लुक आ रहा है। तो क्या करना है, आपका हैंड राइटिंग का जो लेयर होगा तो उस लेयर को क्या करना है, राइट की ओर कुछ इस तरीके से स्वाइप कर देना है। मतलब कुछ आपको स्वाइप कर देना है। स्वाइप करने के बाद आपका जो भी यहाँ से कलर होगा वो कलर कुछ धीरे धीरे ग्लो करेगा। तो इस तरीके से आपको करना है गाइस। बाद में आना है स्पाइरल ब्लर में। स्पाइरल ब्लर में आने के बाद जो अल्फा ओपेसिटी 0 किया तो उसको 100 कर देना है। 100 करने के बाद सेटिंग्स पे आपको जाना है। वो सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको 9 कर देना है। तो जब 9 कर देंगे आपको कुछ इस तरीके से आपको दिखने को मिल जाएगा, कुछ इस तरीके से कुछ अच्छा लुक नहीं आ रहा है। तो टाइमलाइन को थोड़ा बस बड़ा कर देना है, आपका 2 फिंगर से जूम करना है टाइमलाइन को। तो जूम करने के बाद क्या करना है, ये जो स्पाइरल ब्लर का जो लेयर है इसको थोड़ा बस बड़ा कर देना है क्योंकि बाद में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ सकता है। इसलिए तो आपको फर्स्ट पोजीशन पे आना है। ये अभी हम पिन नहीं कर रहे, ये ऐसे कर रहे पोजीशन है। वो अब आते हैं पिन में। तो पिन में आने के बाद क्या करना है, आपको फर्स्ट पोजीशन पे आना है, कुछ इस तरीके से पिन कर देना है। तो पिन भाई ध्यान से देखते रहो, यहाँ से वीडियो में बिल्कुल भी फास्ट नहीं करने वाला हूँ क्योंकि कुछ इस तरीके से आपको धीरे धीरे करके आपको राइट की ओर स्वाइप कर देना है।
तो स्वाइप करते वक्त आ जाएगा आपका। फाइनली यहाँ पर हमारा जो पिन है और यानी की फ्रेम वो तो खत्म हो चुका है। होने के बाद एक बार वीडियो को प्ले करना है। प्ले करने के बाद आपको कुछ इस तरह से दिखने को मिलेगा। बाद में आपका जो भी लेयर होगा आपको उसको डुप्लीकेट कर देना है व्हाइट लेयर को, और बाद में आपका जो रेड भी लेयर बचेगा तो रेड लेयर को क्या करना है डुप्लीकेट कर देना है। डुप्लीकेट करने के बाद एक बार वीडियो को प्ले करना है, तो प्ले करने के बाद आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट वीडियो एडिटिंग टिप्स के बारे में। तो आपको क्या करना है, आपका जो भी लेयर बचेगा उसको डुप्लीकेट कर देना है। तो डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ से मैं एक वाइट वाला लेयर ले लेता हूँ, आपका खुद का ही चैनल का नाम है, तो यहाँ से मैंने स्वाइप कर लिया। स्वाइप करने के बाद यहाँ से देख सकते हो आपका टेक्स्ट आ चुका है। तो टेक्स्ट आने के बाद आपको क्या करना है, उसको कर देना है रेड, और रेड में थोड़ा सा डार्क रेड कर देना है, मतलब कुछ अच्छा लुक नहीं आए, कुछ इस तरीके से आपका टेक्स्ट को रख देना है। तो रखने के बाद आपको करना क्या है, आपको सिंपली क्लिक कर देना है लेयर के ऊपर और मीडिया के ऊपर क्लिक करना है, और वाइट वाला बैकग्राउंड यहाँ से ले लेना है। तो वाइट वाला बैकग्राउंड लेने के बाद आपको करना क्या है, क्रॉपिंग पे जाना है, मास्क को इनेबल करना है, और फेदर को कर देना है 50 या 50 से कम भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बाद में आपको करना है ओके कर देना है। ओके करने के बाद ब्लेंडिंग में जाना है और ओवरले कर देना है। तो ब्लेंडिंग में जाने के बाद ओवरले करने के बाद कुछ आपको इस तरीके से दिखने को मिल जाएगा, कुछ ब्राइट हो रहा है। यहाँ से आपको क्या कर देना है, फर्स्ट पोजीशन पे आना है टेक्स्ट का। तो यहाँ से फिर से जाना है क्रॉपिंग में। क्रॉपिंग में जाने के बाद क्या करना है, फेदर को थोड़ा बस 19 रख देना है, क्योंकि थोड़ा दिक्कत आ गया था इसलिए। तो यहाँ से आपको क्रॉप कर देना है। तो क्रॉप करने के बाद आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद टेक्स्ट के फर्स्ट पोजीशन पे आना है और थोड़ा बस बड़ा कर देना है। बड़ा करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ से देखना है आपका टेक्स्ट कहाँ है और आपका बैकग्राउंड कहाँ है। तो यहाँ से थोड़ा आगे आना है और आपको क्या करना है कि के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको उस यहाँ से पिन कर देना है। तो पिन करने के बाद कुछ राइट पोजीशन पे जाना है और यहाँ से आपका लाइन आ रहा है भाई, इसको टच करना पड़ेगा ही, कि आप जितनी भी टेढ़ा मेढ़ा कर लो लेकिन लाइन आप जब टच करेंगे तभी आपका यहाँ से जो पिन होगा वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाने वाला है। तो गाइस कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। अभी यहाँ से जो मिल रहा है जो व्हाइट वाला लेयर, इसको ये वाला जो लेयर है वो रेड वाला टेक्स्ट के नीचे आपको जाके रख देना है। बाद में यार टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, इन एनिमेशन में जाना है और नन कर देना है। नन करने के बाद आपको क्या करना है, ये वाला जो लेयर मिलेगा इसको छोटा कर देना है। छोटा करने के बाद आपको क्या करना है, आपका जो भी व्हाइट वाला लेयर हो इसको इसके सीधे में रख देना है। सीधे में रखने के बाद आपने जहाँ पर पिन किया था उसके थोड़ा आगे आपको आना है। आगे आने के बाद आपको यहाँ से पिन करना है, यहाँ से आना है और आपको कुछ टेक्स्ट को यहाँ से पिन कर देना है। तो पिन करने के बाद आपको कुछ बड़ा कर देना है, आपको जूम कर देना है। जूम करने के बाद आपका टेक्स्ट कुछ इस तरीके से आ जाएगा और यहाँ से वाइट वाला जो ग्लो हो रहा है ये चला जाएगा लेफ्ट की ओर। तो यहाँ से एक स्प्लिट कर देना है आपको। स्प्लिट करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से आना है आपको। आने के बाद थोड़ा बहुत जूम आउट कर देना है तो आपका लुक या कुछ प्रोफेशनल दिखने को मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ आपको ट्रिम करने के बाद कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं एक टिप्स बताऊंगा आपको, वो क्या है, वो आपको क्या करना है, ये वाला जो लेयर मिल रहा है इसको इसके ऊपर आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको करना क्या है, सॉलिड कलर पे जाना है और इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर देना है गाइस। तो ब्रिंग टू फ्रंट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखने को मिल जाएगा। तो मैं होप करता हूँ आपको इस वाला वीडियो एडिटिंग पसंद आया होगा, और आया तो लाइक कर दो, और चैनल पे नए नए हो तो सब्सक्राइब कर दो या फिर ना करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे गाइस।